हेलो एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स एंड वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल बी डिस्कस द ग्राफ ऑफ एनएक्स, कोटेक्स, सेकेंटेक्स एंड कोसेकेंटेक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ डिस्कस किया था। अब देखिए टैन का ग्राफ। तो देखो हमारे पास 0 से 360 का ग्राफ हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इस टाइप से आप हर एक एंगल का फाइंड कर सकते हो। मैं आप लोगों को ग्राफ बताऊंगा, इसमें -180 टू +180 का ग्राफ। तो आप लोग देखिएगा कि y इज इक्वल टू मेरे पास है tan ऑफ x है, tan ऑफ x दे रखा है यहां से। तो सबसे पहले देखो tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 1/√3, तो इसकी वैल्यू होती है 0.58। tan 60 होता है जो कि क्या होता है √3, जिसकी वैल्यू होती है 1.73। आप देखो 90 पे है ना इंफिनिटी होता है, बट एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप लोग 90 माइनस लेते हो तो वैल्यू रहेगी प्लस इंफिनिटी, और 90 प्लस लेते हो तो वैल्यू रहेगी माइनस ऑफ इंफिनिटी। क्लियर हुआ ना ये बात? तो 90 अगर नेगेटिव, यहां ऊपर लिख दिया नेगेटिव पे प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव पे माइनस इंफिनिटी। तो यहां से देखो 120 पे होती है वैल्यू। क्या आप लोगों को सोल्व तो करना आता है कैसे कि टेन 90 प्लस 30, तो यहां से क्या आएगा कोट 30 नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ √3, दैट इज -1.73। तो माइनस वन यहां से प्लस 150, टेन की वैल्यू होती है 0.58 और 180 की होती है 0। इसी प्रकार आप आगे भी फाइंड कर सकते हो। तो आप लोग देखिएगा अगर टेन नेगेटिव आ जाए, तो टेन नेगेटिव आ जाए तो माइनस अपोजिट साइन हो जाता है। आपको पता है टेन अगर माइनस ऑफ एक्स आता है तो माइनस टेन एक्स होगा, तो वैल्यू वही रहेगी जो पीछे थी बट साइन अपोजिट रहेगा। तो टेन माइनस 30 है तो ये -0.58, ये आएगा -1.73, वही -90। तो अपोजिट आ जाएगा कि भाई आनी तो इंफिनिटी है। तो आप लोगों को पता है अगर आप क्या लोगे, अपोजिट लोगे, माइनस लोगे -90, माइनस लोगे तो माइनस इंफिनिटी, प्लस लोगे तो प्लस इंफिनिटी। और यहां से -120 ये +120 की -1.73 तो +1.73, और यहां से ये आएगा -150 की 0.58 और ये आएगा 0। तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ऐसे अगर कोट का ग्राफ आए, y इक्वल टू ग्राफ एक साथ बना देंगे हम, कोट x आ जाए तो आपको पता है कोट 0 इंफिनिटी, 0 पॉजिटिव लोगे तो प्लस इंफिनिटी, और यहां से 30 डिग्री 1.73, और tan 60 0.58 मतलब 1/√3 0.58, 90 डिग्री 0, 120 डिग्री -0.58 होता है, cot 150 होता है -1.73, और 180 होता है -1.73। इसी प्रकार इसमें अपोजिट साइन ले लीजिए, यहां आएगा -1.73, यहां आएगा -0.58, यहां -90 आएगा 0, यहां आएगा 0.58 और यहां आएगा 1.73 और ये आएगा -1.73। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका, आप लोग ग्राफ बनाइएगा इसके अंदर। तो हम ग्राफ बनाते हैं, तो मेरे पास देखो यहां से अगर हम लोग देखें, मैं 270 तक बना देता हूं। यहां से 210 की वैल्यू क्या होगी, तो 10 210 क्या, द 10 210, तो क्या आएगा 10 180 +30, आएगा tan 30 क्वाड्रेंट थर्ड में पॉजिटिव। तो tan 30 होता है 1/√3, और 1/√3 होता है 0.58 240 है, फिर वो आएगा 1.73। और tan यहां से 270 की अगर हम बात करें यहां से, तो वही बात आती है 270 के बीच में प्लस, अगर 270 प्लस लोगे तो प्लस इंफिनिटी है, इंफिनिटी मान के चलिएगा आप, क्योंकि आपको पता है 190 आएगा और ये tan 90 इंफिनिटी। इसी प्रकार अगर कोट की बात करें तो कोट 210 यह आएगा 1.73 और यह आएगा 0.58, और कोट 270 होता है यहां 0 डिग्री। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान करिएगा, मैं यहां से आप लोगों को एंगल बना रहा हूं -180 से 270 डिग्री का। अब आप लोग देखिए, सबसे पहले हमारे पास जहां इंफिनिटी है वहां पर एक टोटल लाइन बना दीजिए। टेन के अंदर हम बात करें इंफिनिटी 90 पे है, तो एक बार 90 पे आप एक छोटी सी डॉटेड इस प्रकार ये लाइन बना दीजिए, क्लियर है। उसके बाद आपके पास इंफिनिटी इसके अंदर किस पे, -90 पे है, तो -90 पे आप एक डॉटेड लाइन बना दीजिए,
उसके बाद 270 है, तो यहां आप लोग देखिएगा यहां पे आएगा अपना 210, ये 240 और यहां आएगा 270। तो 270 के ऊपर डॉटेड लाइन बना दीजिएगा, ये डॉटेड लाइन बनाएंगे हम लोग, यहां से बन गए डॉटेड लाइन। अभी आप लोग देखिएगा कि अब वैल्यूज की बात करें हम लोग, तो आप देखिए कि 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो यहां आएगा, क्लियर हुआ। अभी हम लोग बात करें 30 डिग्री की, 30 की 1.58, तो मैं यहां लिख देता हूं ये वैल्यू है ये 0.58 है, ये वैल्यू लिख देता हूं 1.73। सिमिलरली यहां जो वैल्यू है ये -0.58 और यहां 1.73 नेगेटिव। आप देखिए 30 पे 1.73 है तो 30 पे 1.73 यहां आएगा, 60 पे 58 है तो 60 पे 58 आएगा यहां, और 90 पे क्या है प्लस इंफिनिटी है, तो यहां से अगर अपन लोग देखें तो ये क्या वैल्यू जाएगी हमारी, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1.58 यहां है और ये क्या है 60 पे 1.73 वो यहां वैल्यू है। तो ये इस टाइप आप लोग देखोगे तो ये वैल्यू हमारी ऐसे आएगी, क्लियर। तो ये जो इसको टच कर जैसे ऊपर बढ़ाओगे ना आप लोग, थोड़ा सा मैं ले लेता हूं यहां से, इसको टच नहीं करेगी, बाकी इसके नजदीक से डॉटेड लाइन के अंदर जाएगी ऐसे, यहां से टच नहीं करेगी ऐसे से जाएगी, ठीक है। तो यहां हम लोग देखें तो ये वैल्यू इस टाइप से हमारे पास ऐसे जाएगी, क्लियर। तो यहां थोड़ा सा घुमाव लग रहा है ये, अब आप लोग आगे देखिए कि यहां से 120 पे -1.73 है, 120 पे है -1.73 जो यहां आएगा, 150 पे है -0.8 तो 150 पे है -1.08 और यहां 180 पे 0 है तो 180 पे 0 है, ये वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी, क्लियर। फिर यहां हम लोग देखें आगे, यहां से 210 पे 0.58 है, 210 पे 0.58 यहां आएगा, 270 पे यहां से 240 पे 1.73 है, ये 1.73 यहां आएगा और यहां इंफिनिटी यहां से है तो ये वैल्यू जैसे इस टाइप से ऐसे आएगी या फिर ऐसे हो तो यहां से, डॉटेड लाइन में जाएगी, ठीक है। ये कैसी जाएगी डॉटेड लाइन में, या फिर मैं इसको इस प्रकार थोड़ा सा यहां मुझे ऐसा लगता है कि काउंटी वैल्यू ये ऐसे इस टाइप से वैल्यू आएगी हमारी, तो यहां 270 तो ग्राफ थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर सही एग्जैक्ट सिग्नल नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो यहां इस टाइप से वैल्यू आएगी तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, क्लियर। यहां ये जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से जाएगा सीधा, ये में जो मेरी लाइन है सिंगल लाइन आप लोगों को दिखेगी वो ऐसे दिखेगी, ठीक है। और इसको अगर आप आगे की तरफ बढ़ाओगे ना तो आगे ये बिल्कुल एजीटी जैसे ही जाएगी डॉटेड लाइन, ये इसको टच नहीं करेगी इनफिनिटी पे इस टाइप से, ये हमारा ग्राफ बन गया सीधा इसके अंदर। अब आप लोग देखोगे कि यहां अगर -30 से इधर की मात्रा बात करें तो आप लोग यहां से देखिएगा ये बिल्कुल सीधी लाइन ले लीजिए, अब लाइन लग रही है आपको, है ना, थोड़ा सा ये इसमें सीधा डायरेक्ट लग रहा है। अभी देखो -30 पे -5.0 यहां आएगा, फिर उसके बाद देखो -60 पे -1.73 तो यहां आएगा, ये 90 पे है इंफिनिटी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, थोड़ा सा यहां 60 ये डॉटेड लाइन है हमारी टच नहीं करेगी, ये -90 से +190, ये किसका ग्राफ है हमारा टैन का ग्राफ है। आगे और देखें तो यहां से 120 पे क्या है, 120 पे है 1.73 तो यहां आएगा 120 1.73, 150 पे 58 और 180 पे 0 तो इस टाइप से ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा और ये इस जाएगा, इतना से नहीं करेगी टोटल, ये हमारा 10 है।
y इक्वल टू टेन ऑफ x का ग्राफ है वो देख लीजिएगा आप। क्लियर। अभी हम लोग आपको देखेंगे कि कोट x का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो रेड पेन से बना रहे हैं कोट x का ग्राफ, तो आप लोग देखिएगा कोट के अंदर हम किस प्रकार से ग्राफ बनेगा कोट के अंदर और कैसे हम लोग कोट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसके अंदर देखिए कोट जीरो डिग्री पे इंफिनिटी है, तो कोट जीरो डिग्री पे इंफिनिटी है तो यहां से है जीरो डिग्री इंफिनिटी लिखेंगे हम। फाइव एट थर्टी पे फाइव एट, तो थर्टी डिग्री पे फाइव एट यहां से आएगा। फिर उसके बाद में सिक्सटी पे 1.73, सिक्सटी पे है 1.73। क्लियर। तो इस टाइप से मैं आपको रेड बना के दिखाता हूं इसमें। फिर से यहां से देखिए हमने जीरो पे इंफिनिटी, थर्टी पे 1.73 है जो कि यहां आएगा और 60 पे है 0.58 जो कि यहां आएगा। क्लियर। 90 पे जीरो यहां, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। ये रेड वाला ग्राफ बना रहे हैं हम, ये किसका है, ये कोर्टेक्स का ग्राफ है और ये इसको टच करेगा नहीं, ये इसको मतलब इस टाइप से यहां से इसको टच नहीं करेगा, बिल्कुल इसके पास से गुजरेगा, ये टच नहीं करेगा, ये इंफिनिटी वाली लाइन। क्लियर। अभी देखिए यहां से 120 पे है 5.8, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री 5.8 यहां आएगा। 120 पे है 1.73 डिग्री तो यहां जाएगा। और उसके बाद में ये इसके अंदर है 150 पे है, यहां देखो 120 डिग्री पे है 1.58 यहां आएगा। 150 डिग्री पे 1.73 यहां जाएगा। और ये 180 पे क्या है, माइनस इंफिनिटी, तो यहां मैं एक लाइन, एक बार हम क्या करते हैं इसका टैन का ग्राफ मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। टैन का ग्राफ हम मिटा देते हैं इस साइड, देखिए अब इंफिनिटी किस पे, आप देखिए 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे इंफिनिटी है तो आप इस पे डॉटेड लाइन बना लीजिए, से इसको डॉटेड लाइन बना दीजिए आप। और इधर इस पे है इंफिनिटी माइनस पे, तो यहां से ये मिटा दीजिए और इसकी जगह जहां पे आपके 180 है इस पे डॉटेड लाइन बना दीजिएगा। तो आप लोग देखिए यहां से आ गया और ये जो ग्राफ जाएगा ये बिल्कुल रेड पेन से हमारे पास कोट ऑफ एक्स का ग्राफ इस टाइप से। तो ये जो हमारा ग्राफ हम किसका बना रहे हैं, हम कोट एक्स का ग्राफ है, पहले वाला टेन एक्स का था। अब आप लोग देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां से 270 है, 210 पे है वो 73 यहां आएगा, 240 पे 58 यहां आएगा और 270 पे 0, तो वो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे इस टाइप से। ये इस प्रकार ये ग्राफ बन जाएगा हमारा और ये टच नहीं करेंगे दोनों, इसको जो ये डॉटेड लाइन है इंफिनिटी की है इसको टच नहीं करेंगे, बस इसको इस टाइप से थोड़ा सा इस टाइप। सिमिलरली लेफ्ट में लेके आओ, माइनस 30 पे है 1.73 तो यहां आएगा मेरा, और 60 पे है 58 जो कि आएगा 65.8 यहां आएगा और इस पे 0, तो ये ग्राफ हमारा इस टाइप से जाएगा। और ये इसको देखो ये 1, ये इसको टच नहीं करेंगे बिल्कुल लाइन, अगर आप आगे इधर मिलाओगे तो ऐसे जाएगा इस तरह। क्लियर। टच नहीं करेगा इसको। उसके बाद 120 को 58 यहां आएगा, 150 पे 73 यहां जाएगा और ये इस पे इंफिनिटी, तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे इस टाइप से ग्राफ। तो इस टाइप से हम लोग इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ये इस टाइप से हम लोग देखो फ्री हैंड से बनाते हैं तो ऐसे जैसा ही ग्राफ, इस टाइप से हम लोग ही ग्राफ कर सकते हैं। ये किसका है, y is equal to cot of x का ग्राफ। ठीक है, तो यहां से हम देखिए अब नेक्स्ट ग्राफ बताते हैं। जो हमारा ग्राफ है y is equal to cosecant of x है बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में, कोई भी एंगल्स नेगेटिव पॉजिटिव सब बनाना सिखाएंगे आपको। तो आप लोगों को पता है ये हमने x की टेबल लिख दी है यहां से cosecant, तो cosecant सबसे पहले 0 डिग्री की वैल्यू होती है इंफिनिटी। देखो याद रहे अगर 0 पॉजिटिव है, अगर 0 आप लोग 0 प्लस पॉजिटिव लेते हो तो प्लस इंफिनिटी आएगा, 0 नेगेटिव लेते हो तो माइनस इंफिनिटी आएगा, याद रहे। ओवरऑल वैसे 0 पे होती है इंफिनिटी, पॉजिटिव लोगे तो ये प्लस इंफिनिटी, नेगेटिव लोगे तो माइनस इंफिनिटी। 30 डिग्री पे 2 रहेगा, सीकेंट 32 होता है और
और secant जो 60 होता है वो क्या रहेगा, secant 60 2 by root 3 होता है, तो 2 by root 3 होता है 1.15, secant 91 120 वही 2 by root 3 तो 1.15, और 150 होता है cosecant 180 पर इन्फिनिटी, वही बात, अगर तुम 180 प्लस लोगे तो प्लस इन्फिनिटी, माइनस लोगे तो माइनस इन्फिनिटी। तो आप लोग देखिएगा तो, क्योंकि आपको पता है 180 अगर तो आप माइनस लेते हो तो क्वाड्रेंट होता है सेकंड, और सेकंड में हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखे ये पॉजिटिव और ये रहता है नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट का हिसाब यहां। उसके बाद 272 अंडर 10 पे कोसेकेंट होता है माइनस 2, 240 पे होता है माइनस, ही निकाल सकते हो, आप लोगों को बता रखा है तरीका आपको क्या है, कोसिकेंट अगर 240 निकालना हो सब सिखा रखा है प्रीवियस वीडियो में, कोस 180 प्लस 60 तो ये आएगा कोसिकेंट, सॉरी कोसिकेंट है, कोसिकेंट 180 प्लस 60 ये कोसिकेंट 60 बट माइनस आएगा, मींस क्या आएगा 2 बाय रूट 3 तो माइनस 1.15, 270 पर माइनस 1, 300 पे माइनस 1.15, 330 पे माइनस 2, 360 पे माइनस, और कोसिकेंट अगर माइनस एंगल होगा तो सिर्फ साइन चेंज कर देना, माइनस 30 प्लस 32 है तो ये माइनस 2, प्लस 61.5 है तो माइनस 60 माइनस 1.15, 90 यहाँ पे 1 है तो यह माइनस 1, यहाँ 120 1.15 है यहाँ माइनस 1.15 होगा, यहाँ पर 152 है तो यह माइनस 2 होगा, यहाँ 180 प्लस इन्फिनिटी है तो यह माइनस इन्फिनिटी। तो आप लोग देखिए ये हमने वैल्यूज ड्रा कर दिया, आपको पता जहां जहां इन्फिनिटी होना डॉटेड लाइन बनाते हैं, तो देखो 180 पर है माइनस 180 पे है, प्लस 180 के ऊपर था यहाँ इन्फिनिटी डॉटेड लाइन, यहाँ पे 360 पे था डॉटेड लाइन। अब आप ग्राफ ड्रा करिए, सिंपल है ग्राफ, आप लोग देखिए 0 डिग्री पे इन्फिनिटी है तो आप इन्फिनिटी ऐसे टच करता हुआ जाएगा, फिर उसके बाद में हम देख रहे 30 पे 2 है तो 30 डिग्री पे 2 यहाँ, फिर आप लोग देखिए 60 पे 1.15 तो 60 पे 1.15 यहाँ है 1.15 ये 1.15 यहाँ से आएगा 1.15, फिर 90 पे 1 है तो 90 पे 1 है यहाँ आएगा, फिर 120 पे 1.15 वो यहाँ आएगा, फिर 150 पे क्या है 2 है जो कि यहाँ आएगा, ये सामने 150 पे यहाँ 150 के सामने, और ये 180 पे इन्फिनिटी, तो ये वैल्यूज ये इस टाइप से जाएगी, क्लियर, ये इसको ऐसे बनेगी, अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो ये इन्फिनिटी ऐसे अगर बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगा ये वैल्यू, फिर आप देख रहे हो 210 पे है हमारे पास, यहाँ से मैंने बीच की लाइन लिखी नहीं, यहाँ जगह थोड़ी थी क्योंकि यहाँ 180 210 बिल्कुल राइट है, 210 पे आप माइनस 2 है यहाँ पर माइनस 2 आएगा, 3 है यहाँ से 210, 240 मैंने नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा जगह कम थी इसलिए यहाँ बीच में आप लिख सकते हो 240, ठीक है, तो यहाँ पे आप 210 पर ये यहाँ लिख देता हूँ 210 पर माइनस 240 पे माइनस 1.5, 240 माइनस 1.5 यहाँ आएगा, 270 पे क्या आएगा माइनस 1 जो कि यहाँ आएगा, और 300 पे 1.5 यहाँ आएगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर 330 पे माइनस 2 यहाँ आएगा, इस प्रकार ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे ये लाइन एक और बन जाएगी और इस टाइप से ये लाइन जाएगी, यहाँ से 330 तक ले लीजिए माइनस 2 तक, यहाँ ये थोड़ा सा लाइन 2 पे था मैंने थोड़ा यहाँ लिखा नहीं, ये 2 से थोड़ा सा इसमें गैप बना हुआ, 270 ये आएगा 240, तो आप लोगों को पता है यहाँ ये आएगा और 300 पे क्या है माइनस 1.15 और 270 पे माइनस 1, तो 270 माइनस 1 ये आएगा और ये आएगा फिर माइनस 2, ये इस प्रकार हमारा जो ये ऐसे बनेगा, क्लियर, यहाँ ऐसे इस टाइप से बढ़ जाएगा आप लोग। इसी प्रकार यहाँ देखिए कि यहाँ माइनस 30 पे क्या आएगा माइनस 2, तो यह माइनस 30 पे आएगा माइनस 2, क्लियर, आप देखिए माइनस 60 पे 1.5 तो यह आएगा माइनस 60 पे 1.5, 90 पे माइनस 1, 90 पे माइनस 1, 120 पे 1.5 ये, 150 पे माइनस 2 यहाँ आएगा, तो ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये थोड़ा सा इधर ऐसे ड्रॉ करो, किसका ग्राफ है ये हमारा कोसिकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ है,
नेक्स्ट हम लोग सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। यहां पे सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ या हम लिखे y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स, आप लोग वैल्यू लिखते हैं और ग्राफ देखेगा सीकेंट ऑफ एक्स का। देखिए नेक्स्ट हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स है, एंगल हम 0 से 360 या 0 माइनस 180 टू 360 ले सकते हैं। आप लोगों को पता है सीकेंट 0 होता है 1, सीकेंट 30 होता है वो होता है रूट 3 बाई 2 जो कि आएगा 1.15, सॉरी सीकेंट जो 30 होगा 2 बाई रूट 3 होता है जो कि आएगा 1.15, सीकेंट 60 होता है 2, सीकेंट 90 इनफिनिटी होता है। देखो अगर नेगेटिव लेते हो आप 90 नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारे पास तो पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो प्लस इनफिनिटी आएगा, अगर 90 में कुछ प्लस करते हो प्लस 90 लेते हो तो माइनस इनफिनिटी क्योंकि नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 120 डिग्री की होती है माइनस 2 वैल्यू निकालने का तरीका आपको बता रखा है, 150 की होती है माइनस 1.15, 180 की होती है माइनस 1, 210 की होती है माइनस 1.15, 240 की होती है माइनस 2, 270 प्लस लेते हो तो आप प्लस इनफिनिटी आएगा, माइनस लोगे तो माइनस इनफिनिटी क्योंकि अगर 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस इनफिनिटी, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस इनफिनिटी, 300 की वैल्यू होती है 2, 330 की वैल्यू होती है माइनस 1.15, 360 की ऊपर। सिमिलरली पता है सीकेंट पर नेगेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब माइनस 30 की जो वैल्यू आएगी वही सीकेंट 30 होगा, तो ए की वैल्यू आएगी तो 30 की वैल्यू मेरे पास ये 1.15 आएगी, 60 की 2 है तो 2 आएगी, 90 की इनफिनिटी तो इनफिनिटी आएगी, 120 की माइनस 2 है तो माइनस 2 आएगी, ये आएगी माइनस 1.15 और 180 की आएगी माइनस 1। अब ये पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करने हैं तो आप लोग देखिएगा यहां से क्या है 0 पे 1, तो 0 पे 1 है तो यहां एक, फिर 60 पे 2, 60 यहां से 0 पे 1, 30 पे 1.15, 30 पे 1.15, 60 पे 2, तो 60 पे 2 जाएगा यहां, ठीक है, और उसके बाद में 120 पे माइनस 2, तो यहां से हम लोग देखें 90 पे क्या आ रहा है, ये सॉरी 90 पे इंफिनिटी है तो हम लोग 90 पे डॉटेड लाइन बनाते हैं, तो 90 पे डॉटेड लाइन आप लोग बना दीजिए तो इस प्रकार ये 90 पे जाएगी लाइन, क्लियर। तो यहां से आप देखोगे तो ये जो हमारा ग्राफ जो बनना है इसके अंदर वो ग्राफ क्या बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा, क्लियर। अभी आगे देखिए 120 पे माइनस 2 है, 120 पे ये माइनस 2 नीचे है तो 120 पे यहां आएगा माइनस 2, 150 पे 1.15 तो 150 पे 1.15 आएगा, 180 पे माइनस 1 तो 180 पे आएगा माइनस 1, उसके बाद 210 पे 1 एंड 210 पे माइनस 1.15 तो यहां आएगा, 240 पे माइनस 2 है तो जो कि यहां आएगा, तो ये ग्राफ हमारा आएगा इस टाइप से आ जाएगा ये ग्राफ, क्लियर हुआ ये तो। अब उसके बाद आगे देखिए 270 के ऊपर इंफिनिटी लिख दिया, 300 पे 2 है तो 300 पे 2 हमारा जाएगा यहां, 330 पे है 1.15 तो 330 पे 1.15 यहां, 360 पे 1 तो यहां, तो ये मेरे पास आएगा, तो इस टाइप से ये हमारा पॉजिटिव ग्राफ बन गया। अभी आप नेगेटिव साइड देखो तो यहां माइनस 30 पे है, ये माइनस 30 है यहां जो कि वैल्यू क्या है माइनस 30 पे 1.15 माइनस 30 पे यहाँ हो, फिर माइनस 60 पे 2 है तो माइनस 60 पे 2 यहाँ हो, और 0 पे आपको पता है ये 1 है, ये 0 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या है 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे 1 वैल्यू है, तो अगर आप लोग देखते हो इस ग्राफ को तो यहाँ देखो 60 पे ये, 30 पे ये आएगा और 1 पे ये, तो ये ग्राफ जाएगा इस टाइप, क्लियर। ये ग्राफ जो हमारा होगा ये इस टाइप से होने वाला है, इसके अंदर जो हम बनाएंगे या फिर 30 यहां से ऐसे बना ऐसे, आप लोग एक बिंदु बीच में रख के देख लो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। यहां से आगे देखो 120 पे है माइनस 2 तो 120 पे माइनस 2 यहां आएगा, 150 पे है यहां से 150 डिग्री पे 1.15 तो यहां आएगा, और 180 पे है माइनस 1 तो ये तो आएगा यहाँ, ये 180 माइनस 1 यहाँ ये लेते हो तो यहाँ लोगे, तो इस टाइप से ये ग्राफ हमारा आता है, तो ये हमारा ग्राफ किसका है,
y is equal to secant of x. तो हम लोगों ने इसके अंदर ग्राफ बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, साइन के, कोस के, टैन, कोट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सभी ग्राफ आप लोगों को बताए हैं. तो हम लोग ये जो ग्राफ से रिलेटेड हमारे जो स्टैंडर्ड है ये आप लोगों को समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए. तो थैंक